पैरा एशियाई खेलों में शुक्रवार को भारत ने शतरंज और बैडमिंटन में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। शतरंज में किशन गांगुली ने रैपिड 6B2B3 पुरुष स्पर्धा में और जेनिथ एंटो ने महिला व्यक्तिगत रैपिड पीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया। बैडमिंटन में पारुल परमार ने SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। दीपा मलिक और निधि मिश्रा ने डिस्कस थ्रो में कांस्य जीता। वहीं गुरलाल को साइकिलिंग में सफलता मिली। भारत के पास 11 स्वर्ण, 17 रजत और 30 कांस्य सहित कुल 58 पदक हो गए हैं। चीन ने 150 स्वर्ण का आंकड़ा भी पार कर लिया है। उसके अब 155 स्वर्ण सहित 288 पदक हो चुके हैं। जेनिथा ने इन खेलों में तीसरा पदक जीता। उन्होंने इससे पहले व्यक्तिगत स्टैंडर्ड P1 स्पर्धा और महिला टीम स्टैंडर्ड P1 स्पर्धा में क्रमश रजत और कांस्य पदक हासिल किया था। शतरंज में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य मिले। भारत ने बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीत लिए हैं। पारुल ने फाइनल में थाईलैंड की कामताम वांडी को लगातार गेमों में 21-9, 21-5 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। पैरा एथलेटिक्स में भारत को 2 कांस्य पदक मिले। दीपा मलिक ने डिस्कस थ्रो 5-1, 5-2, 5-3 स्पर्धा में कांस्य पदक और निधि मिश्रा ने महिला डिस्कस थ्रो 11 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। साइकिलिंग में गुरलाल सिंह ने पुरुषों की C4 व्यक्तिगत परस्यूट 4000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया।